बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली व्लॉग्स लंदन। जी आपका वेलकम है और आज मैं आपकी खिदमत में एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। और आज का व्लॉग है लंदन के एक और टाउन क्रॉयडन का। ये हमारे टूटिंग के साथ ही है, 20-25 मिनट की ड्राइव पे। तो हम लोग अक्सर चले जाते होते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है बंदे की। और इधर भी काफ़ी शॉपिंग मॉल हैं, तो आपको पता है ना, लेडीज़ के तो फेवरेट होते हैं। और यहाँ पे एशियन कम्युनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस टाउन में भी। और ये वीडियो जो है जनाब, ये मैं उस शॉपिंग मॉल के थर्ड फ्लोर पे थी, तो उधर से मैं आपके लिए कैप्चराइज कर रही हूँ। और ये है जी शॉपिंग मॉल। हमने कहा आजकल क्रिसमस है, तो चले जी क्रिसमस की बत्तियां शत्तियां जिधर जिधर भी लगी हुई हैं, हम उनके पीछे पीछे हैं कि कोई रह ना जाए। हम सारी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सारी तो नहीं हमारे से देखी गई, क्योंकि सर्दी है तो फिर हम लोग डेली नहीं निकल पाते। देखिए इन्होंने भी ये शॉपिंग मॉल जो है इसमें काफ़ी अच्छी डेकोरेशंस की हुई थी, काफ़ी अच्छी इसकी सजावट की हुई है। काफी ज्यादा बत्तियां शत्तियां लगाई गई हैं। और वॉइस ओवर करना भी एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम और खामोशी भी चाहिए होती है, जो कि काफ़ी मुश्किल से मिलती है। बच्चे पास होते हैं तो फिर वॉइस ओवर करना मुश्किल होता है। अभी ये जो मेरा व्लॉग है ये तकरीबन 1 वीक अगो का है, और फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वॉइस ओवर करूँ। हालांकि मैं वॉइस ओवर के बगैर वीडियो अपलोड नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई कि मुझे अभी टाइम मिलेगा तो मैं वॉइस ओवर करके फिर वीडियो अपलोड करूँगी। तो करते करते देखिए कि आज मुझे एक हफ्ता या 10 दिन तो हो गए होंगे उस शॉपिंग मॉल से हो के आए हुए, बल्कि उसके बाद भी मैं काफ़ी चक्कर उधर के लगा आई हूँ। अभी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि उस दिन मैं थी थोड़ी जल्दी में, बच्चों को स्कूल से जल्दी पिक करना था, तो जो है ना उस दिन फिर जल्दी आना था वापस। तो ऐसे गुजरते गुजरते मुझे उधर ना एक शूज़ की शॉप नज़र आ गई। मैंने कहा आप चलेंगे, मेरे पास तो टाइम नहीं है, वापसी होने वाली है, और ये मुझे शूज़ की अच्छी शॉप जो है नज़र आ गई है, मतलब डिस्काउंटेड शूज़ थे और काफ़ी अच्छे ब्रांड वाले। तो मैंने कहा चलो एक बार देख लूँ, फिर दोबारा से आके ना तो आराम से तसल्ली से पसंद करूँगी। और आपको पता है फिर पसंद करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो फिर हम लोग दोबारा गए और हमने शूज़ बाय किए उधर से। मैंने कहा चलो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताऊँगी। तो आप सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से और इतना मतलब टाइम निकाल के तो आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो फिर इतना तो बनता है ना कि भैया आप लोग भी वीडियो को फुल वॉच करें और लाइक भी ज़रूर करके जाएं। अभी वैसे मुझे भी कोई इतनी खास शॉपिंग नहीं करने की, सिर्फ बत्तियाँ देखनी थी, क्योंकि अब शॉपिंग वैसे तो मैं साथ साथ में थोड़ी बहुत करती रहती हूँ, और आपको पता है ना मदर्स की जो थोड़ी बहुत भी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन मतलब आजकल के इन 1-2 वीक में मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ कि चलें जी बॉक्सिंग डे पे मैं अब शॉपिंग करूँगी। मैंने सुना इधर काफ़ी बड़ी डिस्काउंट लगती है, और ये वो शॉप थी, ये इधर काफ़ी अच्छे ब्रांडेड बैग्स और शूज़ थे,
तो बैग्स पे भी डिस्काउंट थी और शूज़ पे भी काफ़ी अच्छी डिस्काउंट थी, बल्कि शूज़ पे ज़्यादा डिस्काउंट थी। तो थे भी काफ़ी अच्छे ब्रांडेड थे ये वाले शूज़ जो हैं। तो मैंने कहा चलिए जी फ्रेंड्स को भी बता दूँगी जो भी इस एरिए के गिरदोनवा में रहने वाले हैं, इर्द गिर्द नज़दीक रहने वाले हैं क्रॉयडन के, वो तो लेडीज़ जो हैं वो ज़रूर इधर चक्कर लगा लीजिएगा। उनके काफ़ी अच्छी डिस्काउंट थी, मतलब ब्रांडेड शूज़ थे और 9 pound से इनकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी, 9 के 19, 29, 39 इस तरह करके ना। और मेरे हाल में सबसे ज़्यादा जो प्राइस थी वो 39 के ही चॉकलेट्स वगैरह थे। और ये जी अभी मैं आउटसाइड आ गई हूँ शॉपिंग मॉल से, मैंने इधर उसके दूसरे गेट से एग्ज़िट किया है और इसके अपोजिट इधर दूसरा शॉपिंग मॉल भी है, यूके गिफ्ट सेंटर। और यहाँ पे ये साथ साथ ही नेक्स्ट और प्राइमार्क के शॉप्स भी हैं इसी स्ट्रीट पे। और ये देखिए जनाब जी, ये देखिए जी, मैं शॉपिंग मॉल के चक्कर लगा रही थी और इधर देखिए ये क्या हो रहा है, इधर जिम खुला हुआ था, फुल एक्सरसाइजें हो रही हैं, फिटनेस अपनी जो है वो बहाल की जा रही है। और जी तो अभी आप देखेंगे कि एक्सरसाइज और जिम करने के बाद सीमा साहब में ना शाहरुख की रूह आ जानी है, तो आपको इनका शाहरुख के स्टाइल में स्लो मोशन स्लो मूव्स के साथ डांस देखने को मिलेगा। तो आप वो क्लिप देखने के लिए एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करिए। और ये देखिए जी, अभी हमने शुरू ही किया था तो आगे ये लड़का आ गया, तो सारा ना टेम्पो जो है वो ख़राब हो गया। तो चलें ठीक है, फिर आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। तो तब तक सबको अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।